हे गाइस, क्या हाल है मेरे भाइयों। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एकदम नए और फ्रेश एपिसोड में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में एक रेलवे ट्रैक, और वो भी कोई ऐसा वैसा रेलवे ट्रैक नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ा रेलवे ट्रैक। और आप सबको पता है यार, मैं कोई भी छोटी चीज बनाता ही नहीं, मैं सारी बड़ी और खतरनाक चीजें बनाता हूं। तो आज फाइनली हम लोग बनाने वाले एक रेलवे ट्रैक। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने कुछ दिनों पहले रेलवे स्टेशन बना के रेडी कर लिया। तो ये रहा वो रेलवे स्टेशन, देख रहे हो दिखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने यहाँ पे हर एक चीज बना रखी है, मैंने यहाँ पे भाई घड़ी लगा रखी है जैसे कि रेलवे स्टेशन पे होता है, मैंने बिल्कुल वैसे ही बिल्डिंग बनाने की कोशिश करी है। एंड आप लोग को मेरा रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा पसंद आया था, वो बात अलग है। इस वीडियो पे लाइक बहुत कम आए थे, क्योंकि यार आप लोग लाइक करते नहीं हो, लाइक करने में कंजूसी करते हो। तो फटाफट से लाइक कर दिया करो यार अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं भाई एक रेलवे ट्रैक, और भाई कोई छोटा रेलवे ट्रैक नहीं बनाएंगे, एकदम बड़ा सा रेलवे ट्रैक बनाएंगे जो 2-3 विलेज तक जाएगा, जिससे विलेज वाले भी आराम से बैठ के भाई झूला खाने वाला है, मतलब बहुत ही मजा आने वाला है। और हम लोग रेलवे ट्रैक बनाने वाले हैं यहां से, मतलब अपने रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने से बनाएंगे। एंड सबसे पहले मैं रेलवे ट्रैक को लेके जाऊंगा भाई ये वाले विलेज में, और इसमें वो जो रेल कार्ट होती है, बैठ के आराम से झूला खाऊंगा और सारे के सारे विलेजर्स को काम करता देखूंगा। और अगर वो लोग बैठेंगे तो अपन लोग उनसे किराया लेने वाले हैं, वैसे किराया वराया तो कुछ नहीं लेंगे, पर आप लोग उनको भी बैठा के मतलब इसमें झूला खिलाने वाले, फुल मजे आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना, बस लाइक कर देना यार, कंजूसी मत क्या करो लाइक करने में, क्योंकि आपके एक एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो फटाफट से लाइक करके अच्छा सा कमेंट यार जरूर कर देना। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने भाई रेलवे ट्रैक बनाने के लिए काफी सारा आयरन इकट्ठा कर लिया, मैं आप लोग को जाके दिखा देता हूं। तो फटाफट से चलते हैं अपने घर के अंदर, एंड मैंने काफी सारा आयरन कलेक्ट कर लिया है पहले से ही। तो सबसे पहले मैं यहां से आयरन ले लेता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग को आयरन की जरूरत पड़ने वाली है। एंड अभी इतना आयरन कलेक्ट हो चुका है कि रेलवे ट्रैक आराम से बन जाएगा, मतलब देख रहे हो कितना सारा आयरन है। तो जिस चीज की जरूरत नहीं पहले, तो मैं वो चीज हटा देता हूँ, जैसे ये डर्ट हो गई इसी में रख देते हैं, बाद में ऐसा हटा दूंगा। मेरे को ये रेड स्टोन डस्ट की तो जरूरत है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, मुझे आयरन ज्यादा से ज्यादा आयरन चाहिए। बाकी अभी हमारे पास और भी आयरन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, किलो के हिसाब से अपने पास आयरन पड़ा हुआ है। तो रेलवे ट्रैक बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब इतना भी सिंपल नहीं है। पता नहीं अभी मुझे पता नहीं कि काम करेगा या नहीं करेगा, वो आपके सामने होने वाला है भाई। आज मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, मतलब बिल्कुल रेलवे स्टेशन बनाने वाला हूँ, रेलवे ट्रैक बनाने वाला। और हाँ, मैंने आप लोग को अपनी कैट्स तो दिखाई नहीं भाई, ये रही मेरी शिकारी बिल्ली। तो जैसे कि आप सबको पता है, मेरे पास शिकारी कुत्तों की फौज तो है, एंड मैंने शिकारी बिल्लियों की फौज भी बना ली है। तो कुछ बिल्लियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, कुछ बिल्लियाँ बाहर बैठी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, इसीलिए मैंने कुछ बिल्लियों को बाहर बैठा रखा है। और अभी फिलहाल मैंने कोई खाना बना नहीं खिलाने वाला हूँ, ऐसे ही बैठो, मेरे को मत देखो ऐसे। तो पहले मैं सो जाता हूँ, उसके बाद सुबह मिलते हैं फटाफट से। ओके, तो गाइस सुबह हो चुकी है, तो पहले ऐसा करते हैं अपन लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बनानी है स्टिक, और स्टिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। जितनी स्टिक बनेंगी उतनी मैं बना लेता हूँ। ओके, अभी बननी है 64, इधर रखो, इसमें रखो, जितनी भी बनेगी सारी स्टिक्स बना लेते हैं। ओके, बाकी प्लैंक को अपन लोग फेंक दे क्या, एक सेकंड, इसको फेंक देते हैं। अभी अपन लोग इसके अंदर चलते हैं, एंड मेरे को यार पता तो है कैसे बनाते हैं, मैं एक बार भूल गया, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। ओके, तो गाइज हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे रेलवे ट्रैक, एक सेकंड रुको, 64 64 एंड 64, सब में 64 रख देता हूँ। ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेलवे ट्रैक बना रेल बना लिया, मतलब ये रेल की जो पटरियाँ होती है वो मैंने यहाँ पे बना ली, 64 64 64 64, काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आयरन मैंने यहाँ पे भी गिरा दिया। अबे यार शांत रहो यार, देख रहे हो मेरी बिल्लियाँ कितना शोर कर दी हैं, किसी को खाना नहीं मिलेगा आज, तुम भूखे रहने वाले हो क्योंकि तुम मुझे काम वाम नहीं करने देते हो। तो अभी हम लोग बाहर चलते हैं और अपना भाई रेलवे ट्रैक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। रेलवे ट्रैक बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग टाइप की सोच रहा हूँ बना दूँ, मतलब जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं भाई स्टोन को ऐसे करके, एंड यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पटरी लगाना। एक सेकंड रुको, दो पटरी मैं लगाऊँ या एक, एक सेकंड रुको, देखते हैं ऐसे करके लगाते हैं ये कुछ इस तरीके से। एंड अभी मुझे बीच में से, हाँ मुझे पता है इन्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से जो भाई रेड वाली होती है वो लगानी है, उससे भी बनाना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ कि कितनी दूर तक जाती है, बाद में निकाल लूँगा इसको। ओके,
ओके तो गाइज़ मैंने अपने रेलवे स्टेशन से लेके यहाँ तक रेलवे ट्रैक बिछा दिया है। मुझे पता है ये ऐसे काम करने वाला नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट मत करना कि तू नूब है भाई, तुझे करना नहीं आता है। मुझे पता है कि अभी इसके बीच में हम लोग को दूसरी वाली रेलवे ट्रैक लगानी पड़ेंगी, जो पटरियाँ होती हैं जो रेडस्टोन टॉर्च से बनती है वो वाली पटरियाँ लगानी है। तो अभी वो मैं बना के लगाने वाला हूँ, बस मैं इसे लगा के देख रहा था कि हम लोग को कितनी ज़रूरत पड़ने वाली पटरियों की एंड रास्ता कहाँ से बनने वाला है, तो बस मैंने चेक कर लिया। बाकी अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देखेंगे, उसके बाद ही मैं आगे बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे फटाफट से आना पड़ेगा क्राफ्टिंग टेबल में। पहले मुझे रेड स्टोन टॉर्च बनानी पड़ेगी, उसके बाद जो रेड वाली पटरियां होती है वो बना के इसके बीच में लगाऊंगा, उसके बाद ही ये काम कर सकता है। तो फटाफट से पहले मैं भाई रेड स्टोन टॉर्च बना लेता हूं और मैं पहले खाना खा लूं यार, भूख से ना मर जाए बंदा, इसको भूख बहुत लगती है। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं और मुझे लेके आना पड़ेगा भाई रेड स्टोन, लेके आना पड़ेगा। तो रेड स्टोन तो भाई मिलेगा मेरे वो जो अंडरग्राउंड मैंने हाउस बना रखा है वहां पे। तो ऐसा करता हूं पहले फटाफट उसको लेके आता हूं एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ओके तो गाइस जिस भी सामान की ज़रूरत है मैं वो सारा सामान यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे रेड स्टोन डस्ट की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है और साथ ही साथ गोल्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गोल्ड की भी हम लोग पटरियाँ बनाने वाले हैं। मतलब समझ रहे हो कितनी ज़्यादा भाई अपने पास अमीरी हो रखी कि गोल्ड की पटरियों पर अपनी ट्रेन चलने वाली है। तो सबसे पहले तो मुझे रेड स्टोन डस्ट से बनानी है भाई रेड स्टोन जो टॉर्च होती है वो, जितनी भी बनने वाली हैं। ओके यहाँ पे 32 टॉर्च से मेरा लग रहा है काम चल जाएगा, वैसे मैंने ज़्यादा ही बना लिया। ओके तो मुझे दूसरी वाली पटरियाँ बनानी है, तो वो गाँव गई पटरियाँ मेरे को देखनी पड़ेगी, एक सेकंड, ये रही वो पटरियाँ। तो देखते हैं अपने को कितनी यहाँ से पटरियाँ मिलती, तो यहाँ से अभी 6 अपने को पटरी मिली हैं। ओके मुझे और भी पटरियाँ बनानी है, एक सेकंड। ओके जितनी भी ज़रूरत पड़ जाएगी सारी बना सकते हैं, 36 से मेरा काम चल जाएगा। बाकी मेरे पास और भी पटरी है, तो फटाफट से अभी अपन लोग चलते। एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर रेल कार्ट तो बना ही नहीं है, मुझे वो भी तो बनानी पड़ेगी। ओके तो ये रही वो कार्ट, तो मैंने कार्ट भी बना लिया, कार्ट रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। ओके हो गया, तो मैंने सारी चीज़ें बना ली जितनी भी चीज़ों की मेरे पास ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी फटाफट से अपन लोग चलते हैं भाई, अपन लोग पहले ट्राई करके देखते हैं कि ये सही में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, कि मैंने फालतू में इसे बना लिया। एक मिनट रुको, जो मेरे पास रेल कार्ट का गई, रुक जाओ, ये रेल कार्ट बोलते हैं, ओके माइन कार्ट है, सॉरी रेल कार्ट नहीं, मैं इसे बार बार रेल कार्ट बोलता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके ये पीछे क्यों जा रहा है, अपने आप चल रहा है क्या ये? ओके तो गाइस हमारी गाड़ी चल पड़ी है भाई, देख रहे हो क्या सही लग रही है। ओके तो अपना बंदा भाई बैठा पड़ा, टांगे वांगे बाहर निकली बड़ी है, क्योंकि इसकी टांगे कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। पर अभी देख रहे हो अपन लोग चींटी की स्पीड से चल रहे हैं, तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए अभी हम लोग ज़रूरत, तो अभी अपन लोग इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी करते हैं एक बार अपन लोग लास्ट तक, पहले भाई झूला गाते हुए जाते हो भाई, मज़ा आ रहा है एकदम राइड की तरह, जैसे लग रहा है जैसे वाटर पार्क में नहीं होता है, बिल्कुल राइड वैसे ही चल रही हो। और आवाज़ देख रहे हो, ओह तेरी, यहाँ से तो एकदम खतरनाक वाला बूस्ट लग जाता है। ओके तो अपन लोग आ चुके हैं। ओके तो ये आराम से काम करे, एक बार मैं रुको, जो मैंने वहाँ पर पटरियाँ बनाई, मतलब जो गोल्ड से मैंने पटरियाँ बनाई, अभी अभी आ जा भाई, अभी आएगा कैसे, एक सेकेंड रुको, मेरा पिकैक्स कहाँ चला गया भाई यार, मेरे को लग रहा है पिकैक्स मैंने कहीं पे आके गिरा दिया उसे। ओके जो मैंने दूसरी वाली पटरियाँ लगाई वो मैं लगा के देखता हूँ, क्योंकि वो मैंने बूस्ट देने के लिए ही लगाई हैं। सबसे पहले फटाफट उनको लगाते हैं, कहाँ गई वो पटरियाँ। तो 36 ही हैं वो मेरे पास एंड रेड स्टोन टॉर्च की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, एक सेकेंड। तो मैं उसको पहले यहाँ से लगाऊँ क्या, एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कम से कम यूज़ करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। ओके तो पहले हम लोग इतने ही लगा के देखते हैं, एक मिनट, ये एक्टिवेट हो चुकी है, ये एक्टिवेट हो चुकी है, ये भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो हमारी माइन कार्ट कहाँ गई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओ भाई देखा कितनी तेज़ी से काम कर रही है, अभी देखो आप, ओ तेरी भाई अपना रेल कार्ट बिल्कुल चल पड़ी है, देख रहे हो तेरी स्पीड देखो यार एकदम, मतलब भाई अपनी भाई एक्सप्रेस गाड़ी बन चुकी है अब भाई, अपनी कोई हल्की वल्की ट्रेन नहीं चलेगी, एक्सप्रेस ट्रेन है अपनी, बहुत ही खतरनाक तरीके से चलती है। ओके तो अपन लोग, अरे कलेक्ट हो जाओ भाई, कलेक्ट हो जाओ, अबे यार मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है। एक मिनट रुको, एक काम कर दो, इसको यहाँ रखो, इसको फेंक दो, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके तो फटाफट काम कर दो, फटाफट पहले मैं पटरियाँ बिछा देता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे पटरियाँ बिछानी है, तो दोनों साइड में पटरी बिछाने वाला हूँ। तो उसके बाद अपन लोग करेंगे, यहाँ पर तो मैंने ये लगा दिया, इसके आगे भी मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो उसके लिए मुझको पिकैक्स लेके आना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पहले इससे आगे मैं लगाता हूँ, यहाँ से एक ही पहले पटरी पूरी तैयार कर लेते, उसके बाद दूसरी बाद में तैयार करेंगे। देखते हैं अपने को कितनी और ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि अभी अपने पास थोड़ा सा गोल्ड और बचा हुआ है, मेरे पास वैसे गोल्ड और भी रखा हुआ है, नहीं तो मुझे माइनिंग करने जाना पड़ेगा। यहाँ लगा देता हूँ, थोड़ा बूस्ट मिलेगा, एक यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर भी बूस्ट मिल जाएगा, एक यहाँ लगाऊँ, यहाँ से तो तगड़ा वाला बूस्ट मिलेगा, इसे हटाओ,
चल जल्दी लगा देता हूँ मैं सब में। ओके, तो मैंने यहाँ तक तो इसको लगा दिया, अभी मेरे को इसके आगे लेके जाना है, तो मैं आगे इसके कैसे लेके जाऊँ? ओके, इसके अंदर से निकाल सकते हैं क्या हम? नहीं नहीं इसके अंदर से नहीं निकाल सकते, मुझे इसे भरना पड़ेगा। अबे यार एक सेकंड रुको, मुझे डर्ट लेके आनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, जब तक मैं इसके आगे लगा देता हूँ इसको। ओके, तो गाइस रात हो चुकी है, तो मुझे फटाफट से करना पड़ेगा। ओके, तो जल्दी जल्दी इसे अपन लोग अंदर चलते हैं, बाकी काम सुबह करते हैं। तो मुझे पहले पिकैक्स लेनी पड़ेगी एंड साथ ही साथ मुझे डर्ट भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आगे का पूरा ट्रैक बनाना है। तो जल्दी जल्दी इसे अंदर चलते हैं और सो जाते हैं पहले। ओके, तो गाइस सुबह हो चुकी है और मैंने भाई खाना वाना भी खा लिया और नींद बहुत ही ज़्यादा मस्त आई, क्योंकि अपने ने बहुत ज़्यादा काम किया था। बाकी मैंने काफ़ी सारा आयरन यहाँ से खाली कर दिया एंड जो रेलवे ट्रैक था वो भी मैंने हटा दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो सबसे पहले मुझे जगह बनानी पड़ेगी पटरी रखने की। बाकी मैंने यहाँ पे अपना मटन पकने रख दिया, तो जैसे मटन पक जाता है उसको बाद उसको भी लेके चलते हैं, क्योंकि अपने को खाने में काम आता रहेगा। ओके, और पका गया, देखता हूँ एक सेकेंड रुको। ओके, और एक पक गया, तो चार इसे लेके चलते हैं और जल्दी जल्दी से हमें आगे की पटरियां लगानी पड़ेंगी, उसके बाद ही अपन लोग आगे का ट्रैक लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी इस काम में, तो जल्दी जल्दी से चलते हैं। बाकी जो हमने भाई हमारा माइनकार्ट है बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, बहुत जल्द मैं ट्रेन भी बनाने वाला हूँ, मतलब ट्रेन बन जाएगी तो अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। तो कॉमेंट करके बताना कितने लोग चाहते हैं मैं जल्द से जल्द ट्रेन बनाऊँ, तो फटाफट से लाइक भी कर देना यार। तो एक मिनट रुको, मुझे डर्ट लेनी पड़ेगी पहले। डर्ट मैं कहाँ से लूँ? कहीं से भी ले लेता हूँ यार, डर्ट का तो पूरा पहाड़ ही है। ओके, तो मैंने डर्ट यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, 20 कलेक्ट करी है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे भरता हूँ, इसको यहाँ भरो। ओके, इसे हटाओ। एक काम करते हैं, अपना जो रेलवे ट्रैक है ना इधर से घुमा के ले जाते हैं इधर से, और बाद में मैंने ऐसे पूरे रेलवे ट्रैक को कवर भी कर दूंगा किसी ना किसी चीज़ से, मतलब बाउंड्री टाइप की बना दूंगा जिससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगे दिखने में। एक मिनट ट्राई करता हूँ मैं, एक मिनट इधर घुमाने की कोशिश। ओके, इसे यहाँ से हटाओ। अबे भाई कितनी घुमा दी मैंने, अबे 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 भाई क्या बना रखा है मैंने, इसे हटाओ यार। ये क्या बना दिया मैंने, सांप सीढ़ी वाली सीढ़ियाँ नहीं होती, सांप सीढ़ी लूडो के अंदर होती है बिल्कुल वैसी बना दी मैंने। तो एक मिनट को मुझे यहाँ से लेके जानी पड़ेंगी, एक मिनट यहाँ मैं खुद ही डाल देता हूँ। यहाँ से लेके जाते हैं इसके घर के सामने से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। और अगर हम लोग सीधे से लेके जाएं तो हम लोग को सीधे से भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे से लेके चलते हैं यार। अभी पहले फटाफट से बिछा देते हैं, उसके बाद बीच बीच में हम लोग लगा देंगे। ओके, मेरे पास पटरियाँ ख़त्म हो गई, फटाफट से मुझे लेके आनी पड़ेंगी। एक काम करता हूँ सर, बीच बीच में मैं एक लगा देता हूँ, रेड वाली भी लगा देता हूँ। फटाफट से मैं पटरियाँ लेके आता हूँ और यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ओके, तो गाइज मैं और भी रेलवे ट्रैक यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, और क्या भाई देख रहे हो, मतलब यहाँ पे दुकान लगी नहीं, और भाई देख रहे हो ग्राहक पहले आ गया, मतलब भाई अपनी ट्रेन बनी नहीं और पैसेंजर पहले आ गया। हेलो सर, तो कैसी लग रही है आपको हमारी पटरियाँ? तो ये बिल्कुल वैसे गांव वाले हैं, जैसे कहीं नया काम होता है तो गांव वाले भीड़ लगा के नहीं आ जाते, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछ रहा है। तो ये देखने आए, मतलब मुआयना लेने आए। तो कैसी लग रही है सर आपको ये रेलवे ट्रैक? मस्त लग रही है एकदम। बैठना चाहोगे, एक बार बैठना चाहोगे आप इसमें? अबे चल यहाँ से, देख रहे हो कैसे खड़े हो के मुझे घूर रहा है भाई। इसका बॉडीगार्ड तो नहीं है आसपास? कहीं बॉडीगार्ड आ जाओ भाई, रेलवे रेलवे ट्रैक सब उखाड़ के फेंक देगा भाई वो। तो जल्दी जल्दी से आगे को हम लोग बढ़ाते हैं अपना काम। एक मिनट रुको, इसके साथ मैं लगा क्यों नहीं पा रहा हूँ? एक मिनट, मुझे यहाँ पे दूसरा वाला डर्ट लगाना पड़ेगा क्या? अब लगा पाऊंगा शायद मैं। ओके, काम हो गया अपना।
क्योंकि तो गाइज मैंने यहाँ चारों तरफ भाई रेलवे ट्रैक बिछा दिया है। तो आज के लिए हम लोग बस यहीं तक रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं, मतलब मेरा कासल रहा है वहाँ पे, और मैंने यहाँ तक रेलवे ट्रैक बिछा रखा है, मतलब समझ लो कितना ज़्यादा खतरनाक सीन कर रखा है। एंड मैं यहाँ पे एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, चारों तरफ मैं इसको भी लगा देता हूँ जिससे थोड़ा बूस्ट मिलता रहेगा ऊपर चढ़ने में। ओके एक काम करता हूँ फटाफट से, मैं इसको भी अच्छी तरीके से पूरे में लगा देता हूँ। ओके तो गाइज ये काम करते करते यहाँ पे हो चुकी है रात, तो आज मुझे इसी वाले विलेज में रहना पड़ेगा। तो अंदर चलते हैं। हेलो, अरे भैया ये क्या हो रखा है, भागो यहाँ से, भागो 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 भागो, मुझे किसी और घर में जाके सोना पड़ेगा। इसके अंदर तो भाई मतलब बॉडीगार्ड उसके साथ ही सो रहा है भाई, ये क्या सीन है, मतलब ये देख रहे हो, मतलब मुझे लग रहा है भाई वो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान होगा, उसे मतलब देख रहे हो आयरन कॉलम घर के अंदर से प्रोटेक्शन दे रहा है। हेलो सर, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ, सो सकता हूँ क्या मैं? हेलो भाई, होगी तो गाइज मैंने यहाँ तक रेलवे ट्रैक बिछा दिया, अभी मेरे को काम क्या करना है, ये रेड स्टोन जो टॉर्च है ये लगाने, मैं थोड़ी सी और बना के लेके आया हूँ, तो फटाफट से इसको लगाते हैं, उसके बाद इसे टेस्ट करते हैं कि भाई चल भी रहे नहीं चल रहा है, फालतू में मैंने इतना ज़्यादा लंबा बना दिया। और अभी तो मैं इससे भी ज़्यादा लंबा बनाने वाला हूँ, मतलब अभी दूसरे विलेज तक लेके जाऊँगा, इतनी बड़ी रेलवे ट्रैक बनाऊँगा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, एक मिनट रुको, चारों तरफ मुझे सिर्फ टॉर्च लगानी पड़ेगी, इससे क्या होगा स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब यार देखो हल्के आएगी ट्रेन तो क्या मज़ा आएगा, तो तेज आएगी तो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा, राइड वाला पूरा मज़ा आएगा, जिसे झूलों में बैठने में आ जाता है बिल्कुल ऐसा वाला मज़ा आएगा। तो फटाफट से चारों तरफ पहले मैं इसे लगा देता हूँ, और देख रहे हो मैंने भाई मतलब सांप सीढ़ी के जैसे लगा दिया, एकदम जैसे लूडो के अंदर सांप सीढ़ी नहीं होती बिल्कुल वैसे मैंने चारों तरफ इधर उधर फैला के लगाया इसे। तो इधर कहाँ लगाऊँ, अभी ये कहाँ खड़ा हुआ है भाई, अरे 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 आयरन गोलम कहाँ तुम, ये आयरन गोलम बैठने आ रहे मेरी ट्रेन में, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ एक भी नहीं लगाया क्या, यहाँ पे भी मुझे बीच में लगाना चाहिए था यार एक ना एक, तो चलो देखते हैं अगर वहाँ पे स्पीड थोड़ी हल्की हो जाएगी तो मैं वहाँ पे भी लगा दूंगा। एक सेकंड, इधर लगेगा, एक यहाँ लगेगा, इधर मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा दिया, इधर से कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से स्पीड नहीं आएगी। तो चलो बैठते हैं माइनकार्ट में और देखते हैं भाई वहाँ तक अपन लोग पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, जहाँ तक हम लोगों ने भाई रेलवे ट्रैक बिछाया है, और अभी तो दूसरे विलेज तक लेके जाएंगे, बस सामने एक विलेज है बहुत पुराना सा, अरे यार पुराना सा, तो फटाफट से बैठते हैं अपन लोग, दूसरे विलेज में भी ज़रूर जाएंगे। ओके तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है, ओके तो अभी देखते हैं, तो देख लो अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं भाई, क्या सही लग रहा है, मतलब देख रहे हो मस्त विलेजर्स देख रही है, चल क्या रहा है विलेजर्स, हेलो विलेजर क्या हाल चाल है। ओके तो यहाँ तक बहुत सही चल रहा है, अभी आगे शॉट, अरे भाई कट लग गया, मुझे लगा था मोटी गिरी, अरे 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 भाई क्या कट लग रहा है मस्त यार, देखो यार चढ़ जाएगी, मुझे लग रहा है नहीं चढ़ पाएगी, अरे अरे चढ़ गई वो थ्री, मतलब सही में भाई अपनी ट्रेन एकदम कामयाब हो चुकी है, देख रहे हो इंजीनियर वाला दिमाग भाई, रेलवे ट्रैक बना दिया भाई बंदे ने, कहाँ बैठा हुआ टांगे वांगे निकाल के इसमें से, अबे हट जाए यहाँ से, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार, एक बार और जाना है मुझे, एक बार और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक बार और बैठूंगा उसमें जाके, एक बार मेरी पिकैक्स कहाँ गई, इसको निकालो, इसको यहाँ से उठाओ भाई, सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब मज़ा आ गया, और आगे तक बना दूँगा यहाँ तक, चलो इसके लैंडिंग तो बना ही दें कम से कम, इसको नीचे लेके आते हैं एकदम नीचे राइड की तरह, यहाँ से नीचे ऐसे लेके आ सकते हैं कि ऐसे नीचे, एक सेकंड रुको, ओके आ सकता है, अरे यार इसको हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, इसको लगाओ, ओके यहाँ तक तो हम लोग आराम से आ सकते हैं, हम लोग को भाई कोई भी रेडस्टोन टॉर्च लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट से अपन लोग एक और राइड लेते हैं यार, एक और राइड करना तो बनता है भाई, सही में बहुत मज़ा आया, एक और राइड तो करना बनता ही है, तो अभी फटाफट से अपन लोग दोबारा से चलते हैं, एंड मुझे दूसरे साइड भी लगानी है, और ये मेरी देख रहे हो रेलवे ट्रैक पे नाच रहा है अभी, देख रहे हो इनकी इतनी हिम्मत, मेरी रेलवे ट्रैक पे नाच रहे भाई, यहाँ पे पॉटी वोटी करके मत चले जाना रेलवे ट्रैक पे, वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं यहाँ पे, ना करते हैं विलेजर्स, तो अभी चल के वहाँ पे अपना एक बार और ट्राई लेते हैं, बाकी मुझे एक और यहाँ से बिछाना है, मतलब एक इसके बगल से बिछाना है, दो दो रेलवे ट्रैक बिछाने वाला, और मुझे अभी आने जाने का भी सिस्टम करना पड़ेगा, अभी मैंने सिर्फ जाने जाने का सिस्टम करा है, अभी आने का भी मैं एक सिस्टम करने वाला हूँ, बाकी यहाँ पे टॉर्च थोड़ा डेकोरेट कर दूंगा, टॉर्च वगैरह लगा के एक बार खाना खा लो यार, अपने पास कुक मटन है वो भी अपन लोगों ने खा लिया है, होगी तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस साइड का भी फटाफट से बिछा देता हूँ, बाद में मैं यहाँ पे लगा दूँगा, इसके बीच में एक एक गैप मेरे को कर देना चाहिए, मतलब ऐसे एक गैप कर देता हूँ, एक एक नहीं मतलब बीच में गैप वैप कर दूंगा बाद में, तो फटाफट से एक और बिछा देते हैं, बाकी अभी मेरे को थोड़ा सा और यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मतलब आने जाने का दोनों का सिस्टम करना है, सिर्फ जाने जाने का नहीं करना है,
कहीं चले तो जाएं, आने का कोई सिस्टम ही ना हो तो बहुत ज़्यादा सीन हो जाएगा, पैदल आना पड़ेगा, तो फिर ऐसा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको भी जल्दी जल्दी से बिछा देता हूँ। ओके, रेलवे ट्रैक खत्म हो गया। नहीं, और भी है मेरे पास। ओके, एक और है मेरे पास, रेड वाला भी है मेरे पास एक। अभी गड्ढे में का घुसा दिया मैंने इसका मुँह, एक सेकेंड। और अभी तो मुझे बीच बीच में स्टेशन टाइप के बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे से स्टेशन बना दूंगा, मतलब हर एक विलेज में रुकने का जगह बना दूंगा। तो अभी ये तो हो चुका है, बाकी कुक मटन अभी मेरे को खाना नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। ओके, तो गाइस हम लोगों ने अपना रेलवे ट्रैक बना रहे हैं अपने रेलवे स्टेशन के साथ, थोड़ा सा इसे डेकोरेट करना है, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगे, एंड थोड़ा और यहाँ पे काम करना है। बाकी अपना काम हो चुका है, मतलब हमारा रेलवे ट्रैक भी तैयार हो चुका है ट्रेन के साथ। तो एक और बार जाना बनता है यार, कहीं सच में एक और जाना बनता है, क्योंकि मुझे सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो एक बार और चलते हैं। तो यहाँ से जो बूस्ट मिलता है ना भाई, देख रहे हो क्या तेज़ी से जा रहा है भाई, मज़ा आ गया भाई, कसम से बहुत ही ज़्यादा तकड़ा वाला सीन लग रहा है। तो बैठे रहो आराम से भाई, चलता रहेगा। और आवाज़ सुन रहे हो क्या, तगड़ी वाली आवाज़ आ रही है, ये देखो भाई, देख रहे हो क्या तगड़ा सीन है। यहाँ जो मोड़ है ना, यहाँ पे तो मज़ा ही आता रहा है, ये जो मोड़ों पे ना मुड़ रही है भाई, क्या मज़ा आ गया। तो यहाँ से मुझे जाने का भी कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिर्फ मैंने आने आने का सिस्टम बना दिया है। ओके, तो ये गधा अपने को यहाँ से देख रहा है ट्रेन से उतरते हुए। तो अभी अपन लोग फटाफट से अपनी भाई माइनकार्ट को यहाँ से उठाते हैं और जल्दी से अपने कासल में चलते हैं, क्योंकि अपने को अभी बहुत काम करना बाकी है। बाकी जो हमारा रेलवे ट्रैक था भाई, हम लोग इस वाले विलेज तक लेके आ गए। बहुत जल्द हम लोग दूसरे विलेज तक लेके जाएंगे, जो सामने एक बहुत बड़ा सा विलेज है वहाँ पे लेके जाएंगे, उस विलेज से किसी और विलेज में लेके जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज के वीडियो को तो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना यार, कंजूसी मत करना, लाइक करके कमेंट तो कर दिया करो। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा रेलवे ट्रैक पसंद आए तो भी बता देना, शर्माना मत, कमेंट करके बता देना भाई कैसा लगा। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।